बहुत दिक्कत कर रहा है काटने में। इसे अच्छे से मिला देंगे। पूरा इसका जूस निकल गया है अंदर से। इस जंगल में मैं आज आया हूँ, तो वहाँ पे आज अपनी सोलो कैंपिंग होने वाली है। और अभी मैं लोकेशन ढूंढ रहा हूँ, लोकेशन मुझे अभी तक मिली नहीं है, तो मुझे यहाँ पे एक समतल जगह ढूंढनी है जहाँ पे मैं अपना अच्छे से टेंट लगा सकूँ। मधुमक्खी का छत्ता, जो जंगली मधुमक्खियाँ होती हैं ना, तो ये उनका छत्ता होता है। देखो यार किस तरह से बनाती हैं, ये बहुत पुराना लग रहा है मुझे। फाइनली गाइस, आप देख सकते हो ये जगह मुझे थोड़ा सा समतल मिली है और यहाँ पे अपना टेंट पिच करता हूँ मैं। स्टार्ट हो जाते हैं अपने सोलो कैंपिंग के लिए। तो ये अपना 2% टेंट है देखा लोन का। अपना टेंट पिच हो गया है फाइनली और सामान अपना लगाते हैं और जल्दी से लकड़ियाँ ढूंढने जाते हैं। तो ये तो नहीं, ये तो पूरी तरह से सड़ चुका है। क्या आप देख सकते हो नीचे एक पेड़ है, तो हमें उसकी ज़रूरत है। बहुत दिक्कत कर रहा है काटने में। तो मैं इसी सूखी घास की बात कर रहा हूँ, अगर इसमें थोड़ा सा भी आग लग गई ना, तो भाई ये डेंजर हो सकता है मेरे लिए भी और पूरे जंगल के लिए। तो इसे करते हैं साइड। बाकी यहाँ पे
तो यहाँ पे आग जलाने के लिए गड्ढा बन गया है और अब हमारी जो आग है वो फैलेगी नहीं। तो ये एक जाली है, तो ये है अपनी जाली और इस पे आज अपनी कुकिंग होगी। लकड़ियाँ भी बहुत है जो मुझे रात में काम आने वाली है, मैंने सारी इकट्ठा कर दी है। तो अब पहले कॉफ़ी बना लेते हैं और कॉफ़ी बनाने के बाद अपना डिनर का देखेंगे। कॉफ़ी रेडी होगी अपनी, तो इसको निकाल लेते हैं। वाओ, बहुत सही बनी है यार कॉफी। आग भी एकदम सही जल चुकी है और अभी मैं आज बनाने वाला हूँ बारबेक्यू अपना चिकन। और देखना, मैं पूरा जैसे एक चिकन होता है ना, मैं उसको पीस कटवा के नहीं लाया, मैं पूरा होल चिकन ले आया हूँ। तो अभी उसे बनाएंगे इस पे, इसीलिए मैं आज जाली लाया हूँ। आग क्या मस्त जल रही है और ये पूरा घना जंगल और चंद्रमा आपको दिख रहा होगा ऊपर। बाकी आग जल रही है बढ़िया और हम कर रहे हैं अपनी कॉफ़ी इंजॉय। तो ये आ गया गाइस अपना चिकन, इसको मैरिनेट कर लेते हैं। मैरिनेशन के लिए पहले इस पे अपना मसाला बना लेते हैं मैरिनेट का। बाकी इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो इसमें गार्लिक पेस्ट मिला देते हैं थोड़ा सा। तो बाकी अपना ये रेडी हो गया है और अब इसे लाते हैं इसमें हम। इसे अच्छे से मिला देंगे। तो ये अच्छे से इसमें इसे हम लगा देते हैं। मसाला सारी जगह लगना चाहिए, तभी एक फ्लेवर आएगा इसका। भाई अपना चिकन अच्छे से मैरिनेट हो चुका है और अब इसे बारबेक्यू करना है, तो इसको जल्दी से बनाते हैं और जल्दी से ख़त्म करते हैं, उसके बाद रेस्ट करेंगे। बाकी मैंने जितने मसाले थे सारे इसमें ऐड कर दिए हैं और थोड़ा सा इसमें कोयले और कर देता हूँ, जिससे क्या होगा ना, अच्छे से ये पक जाएगा। बाकी इसे पहले मैं जला लेता हूँ, उसके बाद इसको उस पर रखूँगा। तो अपना चिकन अच्छे से पक रहा है, तब तक सैलेड को भी अपना इसमें भून लेते हैं। ऐसे भून जाएगा ना,
उसके बाद इसे खाने में भी ज़्यादा मज़ा आएगा। ये भुना हुआ सैलेड हो जाएगा अपना बढ़िया। बाकी देख सकते हो यार टेंट अपना ये लगा हुआ है, सामान मैंने इधर उधर फैलाया है, अभी इसे मैं अच्छे से सेट करूँगा। बाकी पहले इसे पका लेते हैं। कलर देखो यार गाइस क्या मस्त कलर आ रहा है इसका। अपना प्याज भुन चुका है, भाई इतना सॉफ्ट हो गया ना ये। तो ये अपना अच्छे से सैलेड कट चुका है, इसी के साथ अपना चिकन भी रेडी हो गया है। वाओ यार क्या लग रहा है भाई, देखो ये पूरा इसका जूस निकल गया है अंदर से। वाओ यार अभी से मुंह में पानी आने लग गया है, वो तो खा के ही पता चलेगा कि कितना टेस्टी हो रहा है। अरे ये आ गया अपना चिकन लेग पीस। पहले सैलेड ले लेते हैं, थोड़ा सा कच्चा फ्लेवर आ रहा है बट भुना हुआ टेक्सचर भी आ रहा है, इस पे मज़ा आ गया। चिकन लेग पीस ये सारा मुझे ख़त्म करना है यार गाइस, मज़ा आ गया। हाँ देखो इतना जूसी है, शानदार यार। देखो ना किस तरह से टूट रहा है। भाई तो फटाफट से पहले मैट बिछा लेते हैं। ये रही अपनी मैट, भाई ये मैट लेने का ना इतना सही फायदा है ना ये वाली, इसमें क्या है नीचे से अगर पाला भी पड़ता है ना तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है तुम्हें। स्लीपिंग बैग और साथ में पिलो, बस और तो कुछ नहीं चाहिए। सबसे पहले ओहो पिलो इसी में रह गया, ये रहा अपना पिलो, इसे पहले हवा भर लेते हैं इसमें। तो अपना पिलो बन चुका है और अब है स्लीपिंग बैग की बारी, इसे खोलते हैं। ठंडा होने लग गया यार, जल्दी से अपने स्लीपिंग बैग में घुस जाते हैं।
तो सोने से पहले गेट बंद करना ज़रूरी है भाई। नाइट सभी को, और कल सुबह मिलते हैं। नींद नहीं आने वाली अब मेरे पास, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो भाई रात को इतना ठंडा नहीं था जितना मैं डर गया था तेंदुए की आवाज़ से। उसकी आवाज़ इतनी ज़ोर से गूंज रही थी, मुझे लगा वो मेरे टेंट के आसपास ही है। और दूसरा, कल मैंने सोलो भी था और मैंने ऊपर से नॉनवेज भी बनाया हुआ था, तो मुझे डर था कि वो कहीं ना कहीं मेरे आसपास ही घूमेगा रात भर। और लेकिन मैं सो भी नहीं पाया, पूरी रात मैं जाग रहा था और मैं सोच रहा था कि कब सुबह होगी, मैं कब टेंट से बाहर आऊँगा। तो फाइनली अभी सुबह हो गई है और मैं अब टेंट से बाहर आऊँगा। बाकी यार रात का एक्सपीरियंस ना बहुत डरावना था, मैं बता नहीं सकता। तो अभी अपनी कॉफ़ी बनाता हूँ और जल्दी से अपना टेंट पैक करके, अपना बैग पैक करके जल्दी से निकलता हूँ यहाँ से। तो पहले अपनी कॉफ़ी बना लेता हूँ। तो मैं कहीं ना कहीं डर भी रहा था, कल मैंने बस गलती ये कर दी, मैंने ये डीप फॉरेस्ट छाट लिया। और ये क्या है, ये बहुत अंदर है, मुझे यहाँ आने में ही आधा घंटा लगता है। तो ये मैंने बहुत गलत जंगल छाट लिया कल के लिए। तो पहले अपनी कॉफ़ी बनाते हैं, कॉफ़ी पीते हैं और यहाँ से निकलते हैं। तो ये आधा दूध मैंने बचा लिया था। बाकी अपना पूरा सामान समेटना है अभी, और तब तक अपनी कॉफ़ी बन जाती है। तो पहले कॉफ़ी बना लेते हैं, पी लेते हैं, उसके बाद सामान समेटते हैं।
लेकिन भाई मेरी हालत ख़राब होगी उस आवाज़ ने ना, मतलब इतना डरा दिया कि मैं अब इस जंगल में तो सोलो कैंपिंग के लिए कभी नहीं आऊँगा। मैं अच्छे से सोया भी नहीं हूँ। वो तो एक चीज़ अच्छी हुई कि रात को पाला नहीं पड़ा, आप देख सकते हो। चलते हैं इस जगह को छोड़ के और फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में।